नागपुर महानगर पालिका का सन 2020 से 2021 सुधारित और सन 2021 से 22 प्रस्तावित बजट बुधवार को मनपा आयुक्त राधाकृष्णन पी ने स्थायी समिति के समक्ष रखा है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन पी ने पेश किए इस सुधारित और प्रस्तावित बजट में सुधारित बजट 2400 कोटी रुपए तो प्रस्तावित बजट में 2600 करोड़ राशि बताई है। बजट पेश करते ही पत्रकारों से बात करते हुए आयुक्त ने कहा कि इस साल राज्य और केंद्र द्वारा शहर में चल रहे काम एवं योजना पर ध्यान दिया जाएगा, साथ ही कोरोना महामारी से पूर्व नियोजित काम भी रुक गए हैं, यही काम पूर्ण कैसे होगी इस पर ध्यान दिया गया। आयुक्त के प्रस्तावित बजट में शहर के कई योजना शामिल है, जिसमें शहर के तालाबों का सौंदर्यकरण, महल और सक्करदरा में व्यापार संकुलन, प्रधानमंत्री आवास योजना शामिल है। आज या ठिकाणी सन 2020-21 चा सुधारित बजेट व 21-22 चा अपेक्षित प्रस्तावित बजेट सुद्धा या ठिकाणी मी नागपूर महापालिकेचे स्थायी समितीसमोर सादर केलेले आहे। सन 2021-22 2021 चा सुधारित बजेट अशा प्रकारचे राहणार आहे। त्याचं उत्पन्न महापालिकेचं उत्पन्न 2433 कोटी असून खर्चसुद्धा तेवढं राहणार, तर 2433.08 असं राहणार आहे। सन 2021-22 प्रस्तावित उत्पन्न सर्व प्रकारच्या महसुली, भांडवली, टेवी रक्कम, अग्रिम अशा स्वरूपाच्या सर्व प्रकारचं उत्पन्न धरून जवळपास 2607.60 कोटी धरण्यात आलेले, ते ओपनिंग बॅलन्स शिल्लक धरून 2608.14 कोटीचं उत्पन्न असा अंदाज ठेवण्यात आलेला आहे। आणि येणारी वर्षे खर्च हे सर्व धरून सर्व प्रकारचा महसुली खर्च, भांडवली, निक्षेप आणि अग्रिम स्वरूपाचं कर्ज सगळं वजावट करून एकत्र करून जवळपास 2607.88 कोटीचा अंदाज ठेवण्यात आलेला आहे। याच्या संदर्भातचा एक सविस्तर आराखडा बजेट मी स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी आज सादर केलेले आहे। प्रमुख्याने या वर्षीचा बजेटमध्ये जास्तीत जास्त कॅपिटल एक्सपेंडिचर कशा प्रकारचं जास्त करता येते, वित्तीय शिस्तपणा जास्त प्रमाणे कशा आणता येते आणि केंद्र पुरस्कृत आणि राज्य पुरस्कृत योजनांमध्ये गती कशा देता येते या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून, प्लस आपल्याला जे विकासाचा कामामध्ये कशा वेग देता येते आणि नवीन जे रखडलेले कामाचा आणि पेंडिंग प्रोजेक्टचा पूर्णत्व आणण्याकरिता खास करून त्याच्यामध्ये प्राधान्य देण्यात आलेले आहे। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन पी ने पेश किए इस बजट पर स्थायी समिति अध्यक्ष प्रमोद भोयर ने कहा कि बीता साल कोरोना नामक महामारी में चला गया, इस बार मनपा आयुक्त ने जो बजट पेश किया है वह देखकर नागपुर की जरूरत देख मनपा का बजट सभागृह में रखा जाएगा। उन्होंने बजट दिया, कोरोना के कार्यकाल में पिछले टाइम में पिछले साल भी वैसा गया और ये साल भी वैसा जाएगा क्या, इस हिसाब से एक प्रश्नार्थक चिन्ह उसमें लग चुका है। पर जब वो बजट की पूरी स्टडीज में हम करेंगे और उसके बाद में फिर देखेंगे हमको किस हिसाब से नागपुर का बजट देना है, क्योंकि इस नागपुर सिटी में नागपुर कॉरपोरेशन निर्माण होने के पहले से बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं और नागपुर की नस नसून सारे लोगों को मालूम है, हमारे नेताओं को मालूम है और मैं भी 50 साल की उम्र वाला आदमी हूँ तो मैं भी 50 साल से नागपुर को जानता हूँ, तो इसलिए नागपुर में क्या क्या चाहिए इसकी सारी बातें आने वाले बजट में हम देने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।